بسم الله الرحمن الرحيم. I am Phil Sadaf from Darayat Medina Dhruv Charles Campus. I am a physics teacher. Today we start our topic 1.4, that is prefixes. I hope students open your book, page number 7. The topic is prefixes. First of all, prefixes ke meaning ko jo hai na wo samajhte hain ki prefixes ka meaning kya hota hai. Prefixes basically two words jo hai uska jo hai na usko mila kar banaya gaya hai, pre and fix. Pre meaning hota hai priority, yani kisi cheez se pehle aana, aur fix ka meaning aapko waise khud bhi pata hoga, kisi cheez ko fix kar dena, wahan par fit kar dena. To basically prefixes ka overall matlab ho gaya ki kisi word ya letter se pehle kisi cheez ko jo hai na wahan par fix kar dena. Iski definition जी बेटा. प्रीफिक्सेस
नीड्स ऑफ प्रीफिक्सेस हम इसकी हेडिंग बनाएंगे. सम ऑफ द क्वांटिटीज आर आइदर वेरी लार्ज आर वेरी स्मॉल, ये इसकी एग्जांपल है. ये एग्जांपल आ जाएगी आपकी, ये दोनों, ये आ जाएगी कि क्यों नीड्स इसकी जो है ना वो हमें पड़ी, क्योंकि बहुत बड़ी लार्जर या बहुत बड़ी जो है ना स्मॉलर वैल्यूज जो हैं उनको जो है ना वो हमें यूज करने के लिए आसानी से और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो तो हमें जो मेथड यूज किया उसकी जरूरत हमें पड़ी. तो एसआई यूनिट हैव द एडवांटेजेस दैट देयर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्रीफिक्सेस. इसके बाद ये डेफिनेशन है बेटा, इसको अंडरलाइन करेंगे हम. प्रीफिक्सेस आर द वर्ड आर लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट सच एज, या एग्जांपल की आप हेडिंग देकर भी इसको लिख सकते हैं, किलो, मेगा, गीगा एंड मिली. दीज प्रीफिक्सेस आर गिवन इन टेबल 1.3. सामने आपके टेबल है 1.3, एक्सा ई से 10^18, पीटा, टीरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, आटो. आपने ये सारा टेबल बच्चे जो है ना वो ये याद करना है, और इसके साथ आपने इनकी जो सिंबल्स हैं उनको भी ध्यान से रखना है कि ये देखे जैसे मेगा कैपिटल एम है और मिली स्मॉल एम है, तो इनको स्मॉल और कैपिटल जो वर्ड दिया गया उसको एज इट रखना है आपने. इनको ये नहीं करना कि मिली को आप कैपिटल कर दें तो वो जो है ना वो रॉन्ग वे होगा, तो आपका वो चीज़ जो है ना वो रॉन्ग हो जाएगी. तो इसलिए जो सिंबल आपको दिया गया है उसकी पावर के मुताबिक उसी के मुताबिक आपने याद करना है. उसके बाद ये एग्जाम्पल मैंने आपको बोर्ड में समझा दी है. इसके बाद यहाँ पर आप इसके रूल हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसकी हेडिंग बनाए रूल, डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, नो प्रीफिक्सेस इज यूज्ड विद किलोग्राम सिंस इट ऑलरेडी कंटेन द प्रीफिक्सेस किलो. सेकेंड पॉइंट है प्रीफिक्सेस, इसके बाद लिखा हुआ जो गिवन इन टेबल 1.3 ये आप काट देंगे, जस्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे. प्रीफिक्सेस आर यूज्ड विद बोथ टाइप्स बेस एंड डिराइव्ड यूनिट. इसका सब आपका जो है ना वो मल्टीपल्स का टेबल 1.4, 1 किलोमीटर, किलो की जगह 10^3 आ गया तो 10^3 मीटर. इसी तरह सेंटी की वैल्यू 10^-2, मिली की वैल्यू -3 है, माइक्रो की वैल्यू -6 लगी हुई है, नैनो की -9 और आगे इसी तरह एज इट जो है ना वो मीटर लगा हुआ है. इसके अलावा ये जो आपकी जो एग्जाम्पल है, इसके बाद ये मैंने इसमें से आपको दो एग्जाम्पल जो है ना, एक ऊपर वाली और एक ये सेकंड एग्जाम्पल इसकी जो है ना वो आपको सॉल्व करके दी है. इसके अलावा जो आपकी एग्जाम्पल है ये आप लोग खुद जो है ना इसको सॉल्व करके इस टेबल को याद करें पहले, और फिर इन प्रीफिक्सेस को यूज करके जो है ना वो आप इसको करें. आई होप सो कि आपको ये सारा लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा. इसके बाद जो है ना वो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.